बीच चुनाव में जब सह प्रभारी था तो प्रियंका जी बड़ी बड़ी बातें करती थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं बस राजस्थान नहीं जा सकती, बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूं और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूं, लड़की हूं राजस्थान नहीं जा सकती हूं और कोई महिला अपराध की आवाज उठाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहके उनका इस्तीफा करवा सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं शांति धारीवाल ये कहे मर्दों का प्रदेश है तो ठाके माके हंस लेना, बचाने के लिए मैं तुम्हारे लिए लड़ सकती हूं। अरे राजस्थान में आपराधिक घटनाएं महिलाओं पर कौन कौन सी हुई जरा एक बार सोचिए तो सही। मुख्यमंत्री के घर से 5 किलोमीटर दूरी पर वैशाली नगर में एक बच्चे के सामने उसकी मां की इज्जत लूटी जाती है, उसको मरने पर मजबूर किया जाता है। करौली में युवती का अपहरण करके गैंग रेप करके गोली मारी जाती है, एसिड मारा गिराया जाता है फिर कुएं में डुबा दिया जाता है। दौसा में आदिवासी महिला का अपहरण करके गैंग रेप करके एसिड डाल के उसकी भी हत्या कर दी जाती है। उदयपुर में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद 8 टुकड़े करके फेंक दिया जाता है जंगल में। बीकानेर के खाजूवाला में 2 पुलिस वाले शामिल होते हैं बलात्कार में, लेकिन गिरफ्तारी पहले दिन नहीं होती, सीसीटीवी कैमरा में है तब भी उसके बावजूद। जोधपुर में जिसको भाई जैसा माना था ऐसे 3 लोगों ने, दरिंदे कहूंगा मैं तो, जिन्होंने दुष्कर्म करने का काम किया और ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है।